पाकिस्तान और अफगानिस्तान आपस में बहुत ज्यादा एक दूसरे के खिलाफ चल रहे हैं। पश्चिमी देशों में तथा भारत की तरफ स्मगल किया जाता है, ड्रग्स है पूरी दुनिया को सप्लाई कर रहा है, इसमें पाकिस्तान की आर्मी और ISI पूरी तरह से इन्वॉल्व है। साथ ही साथ बलूचिस्तान में, सिंध में, यूपी में, फतेह एरिया में बहुत बड़े पैमाने पर पाकिस्तान के खिलाफ विरोध हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज नशा और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। पिछले कुछ समय से जो खबरें सामने आ रही हैं उससे यही लगता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान आपस में बहुत ज्यादा एक दूसरे के खिलाफ चल रहे हैं, क्योंकि दोनों ही देश लगातार बॉर्डर को लेकर के, टेररिज्म एक्टिविटीज को लेकर के एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन दोस्तों वास्तव में ऐसा नहीं है। नेटो की एक रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया है। नेटो की डिफेंस एजुकेशन एनहांसमेंट प्रोग्राम रिपोर्ट में बताया गया है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान की आर्मी के सहयोग से, पाकिस्तान की आर्मी और ISI के सहयोग से अपनी ड्रग्स का जाल पूरी दुनिया में फैला रहा है और दोनों ही देश इस ड्रग्स के जरिए जो पैसा मिल रहा है उससे इन दोनों देशों की आर्मी जो है वो फल फूल रही है, तमाम इलीगल एक्टिविटीज कर रही है, दूसरे देशों में जाकर के टेररिज्म एक्टिविटीज को अंजाम दे रही है। नेटो की हाल ही में एक रिपोर्ट ही आई है, उसमें इस बात का खुलासा किया गया है। चौंकाने वाला खुलासा है, क्योंकि दुनिया को दिखाने के लिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान आपस में एक दूसरे पर लगातार आरोप लगा रहे हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। और दोस्तों आपको बता दें, यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट आई थी 2021 में, जिसमें बताया गया था कि 2020 में अफगानिस्तान में अफीम की 85% जो पैदावार हुई थी वो पूरे विश्व में उसकी जो बिक्री हुई है, मतलब पूरे विश्व में 85% अफीम अफगानिस्तान से पहुंची थी। और अफगानिस्तान में लगातार जब से तालिबान आया है वहां पे उन्होंने उन सारे क्षेत्रों में कब्जा कर लिया जहां पर अफीम की खेती होती है और लगातार इस खेती को बढ़ावा दे रहे हैं, और इससे न केवल विश्व बल्कि भारत को सबसे ज्यादा खतरा हो गया है। और अगर आपको याद भी होगा दोस्तों, पिछले कुछ समय में भारत में ड्रग्स की बहुत बड़ी बड़ी खेप पकड़ी जा रही है। गुजरात के पोर्ट पर का सबको ही पता है कि बहुत बड़ी ड्रग्स की खेप पकड़ी गई थी। इसके अलावा ड्रोन के जरिए पंजाब में ड्रग्स लगातार सप्लाई हो रही है, भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। क्या है इनकी मोड्स ऑपरेंडी, किस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं, किस तरह से अफगानिस्तान और पाकिस्तान मिले हुए हैं, पाकिस्तान को ऐसा करने की क्यों ज्यादा जरूरत पड़ गई है, तमाम बातों पर हमने चर्चा की। और आज हमारे साथ न्यूज नशा में दो दो एक्सपर्ट्स हैं। हमारे साथ फॉर्मर मेजर जनरल PK सहगल सर हैं और हमारे साथ फॉर्मर BSF के एडिशनल DG संजीव सूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नशा में। संजीव सूद जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि बॉर्डर एरिया में आपने बहुत काम किया है, BSF से जुड़े हुए, इतने लंबे समय तक आप जुड़े रहे हैं, क्या है मोड्स ऑफ ऑपरेंडी और जो रिपोर्ट आई है नाटो की, ये चौंकाने वाली है, किस तरह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान मिलकर के इस काम को अंजाम दे रही हैं, जो जहर है, ड्रग का जहर है, पूरी दुनिया में फैला रहे हैं। भारत की पश्चिमी सीमाओं के साथ गोल्डन क्रेसेंट नामक इलाका लगता है। इस इलाके में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पूर्वी ईरान के काफ़ी इलाके शामिल हैं। यह वो इलाका है जिनमें इल्लीगल ड्रग्स बनाए जाते हैं और उनको पश्चिमी देशों में तथा भारत की तरफ स्मगल किया जाता है। अब चूंकि अफगानिस्तान में कोई रेवेन्यू के सिस्टम्स नहीं हैं, वहाँ पर इकोनॉमिक स्थिति काफ़ी ख़राब हुआ है, और इसके अलावा उनके काफ़ी असेट्स जो कि पश्चिमी देशों में हैं उनको अमेरिका और दूसरे देशों ने फ्रीज कर दिया है। अतः वो अपनी इकॉनमी को चलाने के लिए, अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए वहाँ पर, जैसा कि नाटो की रिपोर्ट में है, शायद ड्रग्स को और मैन्युफैक्चर करना शुरू कर देंगे और इसको इन इलाकों में स्मगल करने की कोशिश करेंगे। तो गोल्डन क्रिसेंट एरिया जो है
यहाँ पे अफगानिस्तान, पाकिस्तान और पूर्वी ईरान के एरिया मिलते हैं। और ये जो एरिया है माना जाता है, पूरी दुनिया में माना जाता है ड्रग्स की खेती के लिए। और अफगानिस्तान क्योंकि उसका सोर्स ऑफ इनकम बिल्कुल खत्म हो गया है, टोटली वो डिपेंडेंट है, और खेती वहां हो रही है, लेकिन जो रूट है वाया पाकिस्तान, वो ये जो ड्रग्स है पूरी दुनिया को सप्लाई कर रहा है। इसमें पाकिस्तान की आर्मी और ISI पूरी तरह से इन्वॉल्व है। तो तालिबान को भी फायदा हो रहा है, पाकिस्तान को भी फायदा हो रहा है इससे। और एक तरह से जो दुनिया के सामने ये प्रेजेंट कर रहे हैं दोनों देश की आपस में बहुत ज्यादा लड़ाई है, बॉर्डर को लेकर लड़ाई है, एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया में जहर बेच रहे हैं ये दोनों देश, और नेटो की रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है और ये बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा है। सर आपके पास एक बार फिर से आएंगे संजीव सूद सर, कि आपको क्या लगता है कि भारत को कितना चौकन्ना रहने की जरूरत है, क्योंकि ड्रग्स बहुत ज्यादा पैदावार अफगानिस्तान कर रहा होगा डेफिनेटली, जो रिपोर्ट सामने आई है नेटो की, किस तरह से चौकन्ना रहना है भारत को, कितना खतरा है, और किस एरिया में भारत को अब चौकन्ना रहने की जरूरत है और ज्यादा। जैसा कि मैंने पहले बताया कि यदि अफगानिस्तान में ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ जाती है तो ये भारत के लिए एक गंभीर खतरा हो सकता है। ये ड्रग्स पाकिस्तान से ट्रांजिट होते हुए लैंड बॉर्डर्स के थ्रू भी हिंदुस्तान में आ सकती हैं, या समुद्र के रास्ते से होते हुए हमारे बंदरगाहों पर भी भेजी जा सकती हैं। जैसा कि अभी हाल ही में गुजरात के एक बंदरगाह पर काफ़ी मात्रा में और कई कंसाइनमेंट्स इन ड्रग्स की सीज की गई हैं, उससे पता लगता है कि ये ड्रग्स अफगानिस्तान में काफ़ी मात्रा में मैन्युफैक्चर होनी शुरू हो गई हैं। जहाँ तक लैंड बॉर्डर्स का सवाल है, वहाँ BSF को काफ़ी सावधान रहना पड़ेगा। BSF की इंटेलिजेंस एजेंसीज, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की इंटेलिजेंस एजेंसी या IB वगैरह जो भी इस इलाके में काम कर रही हैं, उनको इस तरफ फोकस देना पड़ेगा और एक्शनेबल इंटेलिजेंस सीमा सुरक्षा बल को देनी पड़ेगी। इसके अलावा ये देखा गया है कि ड्रग स्मगलर्स नई टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और इनमें ड्रोन्स के साथ कुछ ड्रग्स कई दफ़ा सप्लाई किए गए हैं, टनल्स के थ्रू ड्रग्स सप्लाई किए गए हैं। तो इन सब के बारे में सीमा सुरक्षा बल को काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा और उन्हें अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी को, अपने पेट्रोल्स को इस बारे में सावधान करना पड़ेगा कि वो इन सब चीज़ों के ऊपर नज़र रखें। इसके अलावा यह भी आवश्यक है कि सीमा सुरक्षा बल इस तरह की टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करें, टेक्नोलॉजी एक्वायर करें जिससे ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया जा सके और टनल्स को डिटेक्ट किया जा सके, तभी ये तरह के क्राइम्स रोके जा सकेंगे। सर का मानना है कि सबको मिलकर बहुत एक्टिव रहना पड़ेगा, BSF, नारकोटिक्स, IB, बॉर्डर एरिया को पूरी तरह से, जो सटे हुए बॉर्डर एरिया अफगानिस्तान और पाकिस्तान पर, उन पर पूरी नजर रखनी पड़ेगी, कोस्टल एरिया में नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि गुजरात में जो हम देख ही चुके हैं कि सी के जरिए लाया जा रहा है, और जो ड्रोन है, जो नई नई टेक्नोलॉजी है उसमें हमको महारत हासिल करनी पड़ेगी, ड्रोन को इंटरसेप्ट करना पड़ेगा, टनल के जरिए जो ड्रग्स लाई जा रही है उसको डिटेक्ट करना पड़ेगा। तो नई नई टेक्नोलॉजी भी हमको अपनी जो फोर्सेस हैं जो लगी हुई हैं बॉर्डर एरिया में, जो इंटेलिजेंस है उनको देनी पड़ेगी, जिससे जो नए नए तरीके ये इन्वॉल्व कर रहे हैं, लगातार इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इसकी जो तस्करी है इसको बढ़ावा दे रहे हैं नए नए तरीकों के जरिए, उसको जानना समझना बहुत जरूरी है। और इस जहर को हम ऐसे ही रोक सकते हैं जब तक हमारी इंटेलिजेंस जो है बहुत ज्यादा सतर्क नहीं होगी, ये खतरा बढ़ा ही रहेगा, क्योंकि हम लगातार ऐसी खबरें देखते जा रहे हैं, सुनने में आ रही हैं कि कभी कोस्टल एरिया के जरिए, कभी पोर्ट के जरिए, कभी ड्रोन के जरिए, कभी टनल के जरिए ये ड्रग्स भारत में पहुंच रही हैं। PK सहगल सर आपसे जानना चाहेंगे, अफगानिस्तान के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है कि उसकी इकोनॉमी पूरी तरह से शैटर्ड हो गई है, क्योंकि तालिबान राज है यहाँ पे, कोई भी देश उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, कुछ ही देश उसके सपोर्ट कर रहे हैं उसको, ऐसे में अपनी इकोनॉमी को सुधारने के लिए वो ड्रग्स की सहायता ले रहा है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की ऐसी क्या ऐसी मजबूरी आ गई है कि
वो तालिबान के साथ मिल करके, क्योंकि वो तो पाकिस्तान अपना दुश्मन कहता है तालिबान को कि तालिबान गड़बड़ी कर रहा है पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान आरोप लगाता है। तो क्या ऐसी मजबूरी आ गई है पाकिस्तान की कि पाकिस्तान की आर्मी तालिबान के साथ मिलकर के इस तरह से ड्रग्स के व्यापार को बढ़ावा दे रही है? आज पाकिस्तान जबरदस्त मुश्किल में है, एक तिहाई पाकिस्तान डूब गया है, सारी क्रॉप्स नष्ट हो गई है, बेरोजगारी बड़ी जबरदस्त फैल गई है, बीमारी फैल गई है, भुखमरी फैल गई है, और वहां की सरकार जो है वो कम्प्लीटली इस सिचुएशन को डील करने के लिए नाकाम हो रही है। साथ ही साथ बलूचिस्तान में, सिंध में, पीओके में, फतेह एरिया में बहुत बड़े पैमाने पर पाकिस्तान के खिलाफ विरोध हो रहा है। इन तमाम इलाकों में के लोग जो कह रहे हैं कि वहां जबरदस्त एक्सप्लॉयटेशन हो रही है पाकिस्तान की पंजाब प्रोविंस के माध्यम से और चाइना के माध्यम से, और उसका फायदा केवल और केवल चाइना को, पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस या जर्नल्स को हो रहा है, उनको किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं। बलूच लिबरेशन आर्मी जो है वो अफगानिस्तान में तालिबान के आ जाने के बाद में काफी ज्यादा मजबूत हो गई है, और आए दिन सीपैक के ऊपर हमले कर रहे हैं, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज के ऊपर हमले कर रहे हैं, और पिछले एक महीने के अंदर उन्होंने दो बार ही पाकिस्तान के हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। इससे साफ तौर पर नजर आ रहा है कि पाकिस्तान की पकड़ जो है इन तमाम इलाकों में कमजोर हो रही है। और जो सबसे बड़ी मुसीबत की बात है कि जो बलूच लिबरेशन आर्मी, सिंध और पीओके के लोगों और फतह के लोगों ने आपस में तालमेल कर लिया है, इस तालमेल से पाकिस्तान काफी अस्थिर हो सकता है, और अगर बलूचिस्तान एक इंडिपेंडेंट नेशन हो जाता है तो हिंदुस्तान के लिए शायद फायदेमंद होगा। तो पाकिस्तान में भी हालात ठीक नहीं है, वहां भी इकोनॉमी जो है शैटर्ड है, कई कारण है, एक तो फ्लड के कारण जो पूरा पाकिस्तान है डूब गया, उसके बाद बीमारियां इतनी हो गई है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, इन्फ्लेशन यानी महंगाई की दर लगातार बढ़ रही है, और दूसरा पाकिस्तान की नाक में दम किया हुआ है बलूचिस्तान आर्मी ने और पीओके में, जो उनके अगेंस्ट जो एक आर्मी खड़ी हो गई है। ऐसे में पाकिस्तान की जो हालत है, इंटरनल भी खस्ता है, बॉर्डर एरिया जो है उसके भी खस्ता है, और सबसे मिलकर जो है पाकिस्तान लड़ नहीं पा रहा है, इकोनॉमी उसकी बिल्कुल शैटर्ड हो गई है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बिल्कुल खत्म हो गई है, और ऐसे में पाकिस्तान की जो आर्मी है, जो कहते हैं एक तरह से पाकिस्तान को उसकी आर्मी ही चलाती है, फंड्स के लिए ड्रग्स की जो तस्करी है उस पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गई है, और ड्रग्स में सबको ही पता है कि मुनाफा बहुत ज्यादा है। तो अफगानिस्तान के साथ सामने अपनी एक जो मजबूरी है उसकी भरपाई के लिए वो कर रहा है, पाकिस्तान में अपनी मजबूरी है, और ये दोनों देश अपने को ड्रग्स के द्वारा फाइनेंशियली स्ट्रांग कर रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया में ड्रग्स का जो जहर है उसको बेच रहे हैं। और नेटो की रिपोर्ट आने के बाद उम्मीद है कि जो देश है उनकी एक जो आंखें हैं खुलेंगी, और इसके खिलाफ जरूर कोई ना कोई ऐसे कदम उठाए जाएंगे कि जिससे कि जो तस्करी है ड्रग्स की ये रुके, और जो हमारी युवा पीढ़ी को शिकार बना रहा है, ड्रग्स पूरी तरह से अपनी चपेट में ले रहा है, इस पर रोक लगे। दोस्तों, न्यूज नशा के जरिए कोशिश रहती है कुछ ऐसे मुद्दों पर बात करने की जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और कहीं ना कहीं हमारी डेली लाइफ से भी जुड़े होते हैं, और ये मुद्दा जो हमने उठाया हमको लगा है कि बहुत ज्यादा हमारी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जिस तरह से हमारी सोसाइटी में ड्रग्स लगातार बढ़ रही है, ऐसे में जरूरी है कि उसके सोर्स का पता लगाया जाए और वहीं पर उसको स्टॉप किया जाए। तो दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए न्यूज नशा के साथ, क्योंकि न्यूज नशा की कोशिश रहती है आपको अपडेट जानकारी देने की, ऐसी जानकारी जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ से जुड़ी होती है। आप देखते रहिए, बने रहिए न्यूज नशा के साथ, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर, और लाइक करें Facebook पर, और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।